केस है और इसमें 18 जो है 18 आरोपी हैं और कुछ आरोपी उसमें से जिनका देहांत कुछ का देहांत हो गया है और कुछ लोग नहीं आते थे और कुछ लोग आते थे और कुछ लोग एप्लीकेशन भिजवाते थे। तो कल माननीय अदालत ने एक आदेश जारी किया कि आप लोग 26 तारीख को सभी लोग उपस्थित होइए और उसमें ये भी हुआ कि जो जिनके एप्लीकेशन पड़े थे, मेरा एप्लीकेशन पड़ा था, मैं बराबर जाता हूँ, उपस्थित होता हूँ और नहीं जाता हूँ तो मेरा वकील वहाँ उपस्थित होता है, एप्लीकेशन देता है और उसमें जो लोग नहीं आते हैं उसी के साथ जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको माननीय न्यायाधीश द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया और 26 तारीख को डेट दी गई कि आप लोग उपस्थित होइए, क्योंकि अभी तक वो चार्ज नहीं बना था, वो चार्ज बनाने के लिए सभी लोग 26 तारीख को उपस्थित होंगे, इसीलिए उसको कंसिडर सब लोग सब MBW जारी हुआ है, मैं मानता हूँ MBW और वो जो है कोर्ट की प्रक्रिया है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जो भी कोर्ट आदेश करेगी उसका मैं सम्मान। 26 तारीख को जो है गैंगस्टर मामले की जो है वो उस पर होना है, आरोप तय होना आरोप अभी तय, आरोप तय नहीं होना है, अभी तो ये चार्ज पर ही नहीं लगा है, चार्ज पर लगाने के लिए ये प्रक्रिया की गई है, MBW जारी किया गया है, वो कोर्ट की प्रक्रिया है और उसमें सभी लोग उपस्थित होंगे और देखिए वो मंत्री जी जो कहते हैं तो मंत्री जी ने मजाक नहीं कर सकते हैं, वो मजाक उनका चेहरा देखिए हंसते हुए उन्होंने बोला था, ये मजाक किया था और मजाक में जो कहा जाता है उसको सीरियस नहीं किया जाता। वो आप यही तो जी उसको पहले बड़े आरोप क्यों लगा रहे हैं, मैं उसी को बता रहा हूँ, जब ये वीडियो डी फेक वीडियो जारी हुआ है वो AI तकनीक के द्वारा बनाया गया है, वो मेरे बयान नहीं है, वो डिफेक वीडियो बनाया गया है और डिफेक वीडियो जानते हैं आए बड़े बड़े जो DGP रैंक के हैं अभी आप देखे थे उनके खिलाफ डिफेक वीडियो बनाया गया है AI तकनीक के द्वारा। जो मखीदुर राव राजनीति से प्रेरित है, छोटे मोटे मुकदमे हैं, बहुत बड़े मुकदमे नहीं है, और जो अभी आप लोग नीट चिल्ला रहे थे, स्पष्ट सुनिए, नीट चिल्ला रहे थे और विपक्षियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था, कितनी जो है हास्यास्पद बातें हैं कि नीट में मेरा नाम नहीं, किसी आरोपी ने नाम नहीं लिया, जांच एजेंसी ने नाम नहीं लिया और देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही है, कौन सबसे बड़ी एजेंसी होती है, CBI जांच करती है और जिसकी जांच CBI करती है दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है, अगर मैं होता तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे चार्जशीट कंप्लीट उसके जो आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया और मैं उसमें था ही नहीं, साँच को कोई आँच नहीं है और मैं ये भी कहा था अगर दूर दूर तक मेरा पेपर लीक में इसमें लीक में अगर जो अफवाहें जो विपक्षी